अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। फ्रेंड्स, न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कढ़ी बना लूँ, तो थोड़ा ऐसे टाइम लगता है बनाने में, तो मैंने ये पहले से ही बना दी। दही में मैं बना रही हूँ। ये दही में भी बनती है, लस्सी में भी बनती है, जिसमें आप बनाना चाहें। तो मैंने दही में बनाई है। सबसे पहले मैंने दही को फेंटा था, उसमें मैंने नमक हल्दी मिर्चें और मैंने उसमें बेसन खोल लिया था। उसके बाद मैंने इसे आँच पे रख दिया था, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी देर पकी है। उबलने के बाद इसकी ये सूरत हाल है। तो इसमें मैंने धनिया भी थोड़ा सा ऐड किया है और पुदीना भी ऐड किया है। उसके बाद इसकी शक्ल ये आई हुई है। तो आगे मैं इसका और काम करती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने पकौड़े की भी तैयारी कर ली है, जो पकोड़े बनके कढ़ी में डालने हैं मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो पहले मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे शरबत बना लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम होने वाला है, थोड़ी सी देर है बाकी। तो चलो पहले हम बना लेते हैं शरबत जी। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ रूह अफज़ा। ये देखें, पानी डाल दिया और मैंने इसमें चीनी डाल के अब मैं इसे घोल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शरबत जी। फ्रेंड, मैंने इसमें ये चीनी जो है घोल ली है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूह अफज़ा। ये देखें, रूह अफज़ा डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जो इसकी तह में शक्कर जो है, चीनी जो मिक्स नहीं हुई है, वो गल जाएगी। उसके बाद मैं इसमें पानी और बर्फ़ ऐड कर लूँगी। तो चलिए करते हैं अब हम कढ़ी की तैयारी, ठीक है। तो आ जाए, बनाते हैं पकोड़े। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, पकोड़े हमें छोटे छोटे करके बनाना, क्योंकि ये कढ़ी के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो ये फूल जाते, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये देखो, तो मैंने नॉर्मल साइज़ ही रखा है। जब ये कढ़ी में ऐड करूँगी, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी चावल, तो आज मौका मिल ही गया। तो मैं दही भी अपने घर में ही जमा लेती हूँ, दूध आता है अपना, तो उसी से ही मैं जमा लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है, रमज़ान है, रमज़ान में ज़रूरत पड़ जाती है कभी लस्सी बनाने में, तो कभी रायता, कोई ना कोई चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारे यहाँ से डेयरी काफ़ी दूर पड़ती है, तो हमें शहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि घर में जो ज़रूरत की है वो बन जाए, तो काफ़ी अच्छा है। ये देखें फ्रेंड्स, पकोड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो पकोड़े बन चुके हैं, तो मैं उसे कढ़ी में डाल के आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद दूसरे पकोड़े बना के मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखें फ्रेंड्स जी, फ्रेंड्स ये देखें, पकोड़े बन चुके हैं। अब मैं आपको कढ़ी में इसे डाल के दिखाऊंगी। ये देखें, काफ़ी मज़ेदार होती है कढ़ी। ये देखें, जिस जिसको पसंद है लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा जी। फ्रेंड्स, ये देखें, पकौड़े बन चुके हैं। अब मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें डाली हरी मिर्चें और प्याज दोनों को ऐड करूँगी। ये देखिए, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो रहा है। ये देखें,
एंड में मैं इसे जब ये पक जाएगा तो मैं ना इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद फिर मैं इसे डालूँगी अपनी कढ़ी में। काफ़ी अच्छा लुक आता है, ये देखें। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे शरबत भी बना लिया, तो ये देखें शरबत भी हमारा रेडी है कि रोज़े का टाइम होने वाला है। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, तड़का रेडी हो रहा है, हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो रही है। इसमें आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और लाल लौंगी जो मिर्चें मिलती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा है वो तो लाजमी कड़ी में पड़ता है। और इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूँगी, वो आप पे डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें, मैं थोड़ी सी डालूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च है। हमारा तड़का रेडी है, अब डालती हूँ मैं इसे कड़ी में। ये देखें फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, तड़का हमारा रेडी है। जी फ्रेंड्स, ये देखें तड़का लग चुका है, ये देखें। और फ्रेंड्स आज की कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है ऊपर से। और आप सब फ्रेंड लाजमी कमेंट्स करके बताना कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करनी है और लाजमी बताना है आज की ये हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।